नमस्कार, मैं हूं संजय मेरे दी महा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नागपुरीय कलाकारों की खान है ऐसे कहा जाता है और ये बात तब चरितार्थ होती है जब नागपुर की विनीता बीनो ने देश का नाम रोशन किया है और अपने सिर एक ताज पहना है। जी हाँ, हम सीधा लेके चलते हैं आपको विनीता बीनो के पास और उनसे जानना चाहते हैं वो बातें, उन्हीं की जुबानी। आई हमारे साथ विनीता भाटिया ने 9 नवंबर 2022 को रेडिसन ब्लू मुंबई में आयोजित प्रतिष्ठित मिसेज इंडिया आई इंटरनेशनल ग्लैम 22 ब्यूटी पेजेंट जीता। विनीता भाटिया ने 17 वर्षों तक फिटनेस उद्योग के साथ काम किया है और खुद एक फिटनेस उत्साही है। वह फिटनेस में कई लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने रोटरी के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक राजदूत के रूप में भी नीदरलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया मोस्ट इंस्पायरिंग वुमन 2022, टाइम्स ऑफ इंडिया फिटनेस आइकॉन 2022, मिसेज नागपुर, मिस नागपुर वगैरह। यह 4 राउंड के साथ विभिन्न देशों के प्रतिभागियों के साथ एक कठिन प्रतियोगिता थी, जैसे कि रैंप वॉक, परिचय दौर, टैलेंट राउंड, फिनाले, क्वेश्चन राउंड। अपने सभी राउंड शानदार रंगों के साथ पूरे किए और पेजेंट की विजेता बनी विनीता भाटिया। इन्होंने 3 क्राउन और एक ट्रॉफी भी जीती। मिसेज इंडिया आई इंटरनेशनल ग्लैम 2022, मिसेज इंडिया आई इंटरनेशनल ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड 2022, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल पाथ ब्रेकर। एक मजबूत इच्छा शक्ति वाली महिला ने इस प्रतियोगिता के लिए इस ताज को जीतने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीतना उनका अपना एक सपना था। क्राउनिंग फिल्म स्टार अमीषा पटेल द्वारा की गई थी। यह अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देती है। वह अपने विशेषज्ञ मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर वाटिका पाटिल की भी आभारी है। साथ ही इन फ्रेम की सुनीता भगत को भी इस तरह के शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद भी देती है। इस मौके पर विनीता भाटिया इन्होंने दी महान्यूज से खुलकर बातचीत की है, आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल ग्लैम 2022 का जिन्होंने खिताब लिया है ऐसे इस नागपुर शहर की विनीता भाटिया इस समय हमारे साथ में मौजूद है। आइए उनके पास चलते हैं और उनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार मिसेस इंडिया इंटरनेशनल ग्लैम 2022 का ये जो खिताब था उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी। मैम, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से आज मिसेस इंडिया इंटरनेशनल ग्लैम 2022 का खिताब आपको मिला है? हेलो संजय जी, गुड इवनिंग महा न्यूज़। ये जो खिताब मुझे मिला है ये तो लाइक ऑफकोर्स मैं बहुत ही ज़्यादा थ्रिल्ड हूँ इससे, बट इसके लिए मैंने बहुत परिश्रम ज़रूर किए हैं, बहुत मेहनत करी थी। ये जब मेरे पास पेजेंट का जब आया था प्रपोजल, तब मेरे लिए बहुत कम टाइम था, लाइक यू नो मेरे लिए हार्डली लाइक 1.5 या 2 महीने का टाइम था। यूजुअली लोग 6 मंथ्स तो भी ये पेजेंट के लिए प्रिपेयर करते, बट देन वेल मैंने वो 1.5 महीने में काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करी। बहुत सारी चीज़ें जो थी मेरे लिए थोड़ी सी आसान हो गई थी, मैं क्योंकि फिटनेस फील्ड से थी तो मुझे फिटनेस से लेकर इतना प्रॉब्लम नहीं गया। मैंने बहुत सारे जगह पब्लिक स्पीकिंग किया हुआ है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट गई हूँ, मिसेस नागपुर, मिस नागपुर ये सब रही हूँ। अभी तो रिसेंटली लाइक देर इज़ ऑलवेज लॉट ऑफ एक्सपोजर कि आप जब जाते हो कहीं पे तो आपको काफ़ी सारी लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, तो ये सब चीज़ें मेरे बहुत इसमें काम में आई। उसमें 4 राउंड से लाइक एक फर्स्ट वाज लाइक रैंप वॉक मुझे थोड़ा सा ब्रश अप ज़रूर करना पड़ा, बट देन वहाँ पे कॉन्टेस्ट के दौरान हमें मलेशिया की एक टीम थी माला करके उसकी जो लीडर थी, सो उन्होंने हमें इसमें रैंप वॉक में काफ़ी अच्छी से ट्रेन कर दिया था। दूसरा जो था वो इंट्रोडक्शन राउंड था। देन देर वॉज अ टैलेंट राउंड के लिए मैंने प्रिपरेशन ज़रूर करी थी, वहाँ पे मैंने डांस परफॉर्मेंस किया था एंड वो भी काफ़ी अच्छा रहा था। एंड लास्ट वॉज क्वेश्चन आंसर राउंड, जो क्वेश्चन आपके 4 जजेस थे वहाँ, 5 जजेस थे वहाँ पे, देर ऑल मिसेस इंडिया ये सब थे, तो वो 5 जजेस जो आपको क्वेश्चन यू नो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, सो यू नो दैट इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी थिंग। तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर्ड
काफ़ी अच्छे से थी। जब क्वेश्चन आया तब उस टाइम पे मैं काफ़ी कंफर्टेबल, काम और कॉन्फिडेंट थी और मैंने यूं ही हंसते हंसते हर चीज़ का जवाब दे दिया था। तो डन बिल्कुल। तो मैम इस प्रकार की आपने तैयारी की थी ऐसा आपका कहना है, लेकिन आए दिन ये भी देखा जाता कि कई ऐसी युवतियां हैं जो इस प्रकार के स्पर्धाओं में भाग लेना चाहती है मगर तैयारी करने के लिए वे पूरी तरह से तैयार नहीं रहती है। क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे, क्योंकि वे भी आना चाहते हैं आपके जैसा मुकाम पाना चाहते हैं, क्योंकि आज आप नागपुर की आन बान शान बनी हो। जो भी आपको चीज़ हासिल करनी हो वो आपको उसके लिए काम करना ज़रूरी रहता है। यू डोंट गेट वॉट यू डिज़ायर, यू गेट वॉट यू वर्क फॉर। तो आपको हर चीज़ के लिए बिना मेहनत के कुछ भी आसानी से नहीं आएगा, इतना आपको हर चीज़ के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। कोई भी प्रोफेशन में जाओ, कोई भी चीज़ के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, उस तरीके से आपको इसके लिए भी तैयार होना पड़ता है। तो आप उसके लिए मेहनत ज़रूर करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत ज़रूर करना पड़ता है ऐसा विनीता भाटिया इनका ये मानना पड़ा है। और कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ डेडिकेशन देना पड़ता है, डिवोशन से काम करना पड़ता है, ऑनेस्टी, हार्डवर्किंग एंड सिंसियरिटी ये बहुत ज़रूरी होता है, जो कि विनीता भाटिया मैडम ने ये सब प्रूव करके दिखाया है। तब कई इन्हें इस प्रकार का ये जो ताज दिखाई दे रहा है यह इनके सिर पर है और ये काफ़ी नागपुर शहर के लिए नहीं, विदर्भ के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए एक गौरवान्वित बात, एक फख्र महसूस करने वाली बात है। हम महान्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। तो कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, दी महान्यूज़ नागपुर।